क्या नाम है बेटा आपका? मानवी भार्गव। मानवी, आप यूक्रेन से वापस इंडिया लौटे हो, वहाँ के हालात कैसे हैं? किस तरह की समस्याओं को आपने देखा है वहाँ? मैं यूक्रेन में इवानो में रहती हूँ और ये पोलैंड के बहुत पास पड़ता है। तो जब वार की स्टार्टिंग हुई थी तो हमें लगता था हम काफी सेफ जोन में है और जो शुरुआत होगी वो खार्किव की जो मेन रीजन है वहां से होगी। लेकिन अब से 6 दिन पहले क्या हुआ था कि फाइटर प्लेन्स की आवाज हमें पूरी रात सुनाई दी। हमने सोचा कि नॉर्मल होगा, कुछ ऐसा नहीं लगा। उसके बाद सुबह न्यूज आती है कि बॉम्ब हमारे से 2 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट पे गिरा है। हमने उसकी आवाज भी सुनी है और उसकी रिकॉर्डिंग भी है जिसमें भयंकर धुआं उठ रहा है। सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक की हो गई थी। उसी के 2 मिनट बाद सिटी अलार्म बोल गया, इमरजेंसी अलार्म जिसे बोलते हैं, कि आपकी पूरी एक सिटी क्रिटिकल सिचुएशन में है इस टाइम। वो सिचुएशन ऐसी थी कि हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। लगातार न्यूज आती रही, रशियन फाइटर प्लेन्स आते रहे और लगातार 3 दिन आसमान में फाइटर प्लेन्स चलते रहे। न्यूज यही आती रही कि यहाँ वार हो चुकी, यहाँ पर बॉम्ब गिर चुके। सिचुएशन बहुत ज्यादा पैनिक हो गई। एट द लास्ट मोमेंट जब हमें पता लगा कि हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, अभी वो ऑनलाइन चलेगी, तब हमने इवानो छोड़ने का डिसीजन ले लिया था। 1000 बच्चा एक साथ इवानो से निकला है। उसके बाद हम गए थे रोमानिया बॉर्डर, वहां की सिचुएशन और भी खतरनाक थी। वहां 3000 से 4000 बच्चा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए लड़ रहा था आपस में। ग्राउंड लेवल पे बच्चों के ऊपर फायरिंग हो रही थी, रबर फायरिंग हो रही थी। भीड़ इतनी थी और -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और वहां बच्चे रशियन वॉर से ना मरते तो ठंड में मर जाते। आज भी कंडीशन वहां की ज्यादा अच्छी नहीं है, हर एक बच्चा बहुत प्रॉब्लम में है। गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि प्लीज जल्दी से जल्दी सारे बॉर्डर्स को खुलवा के ज्यादा से ज्यादा फ्लाइटें अरेंज करके हर बच्चे को अपने वतन वापस लौटा दो। अभी वहां कितने और स्टूडेंट्स हैं जो वहां पे फंसे हुए हैं और आप लोग फ्लाइट से आए? वहां पर 18,000 बच्चा है टोटल जो मेडिसिन कोर्स में पढ़ रहा है और लगभग 4,000 बच्चा वापस आ गया। बहुत बच्चा अब भी वहां पर है और सिचुएशन इतने खराब है कि हमारे पास सोचने का भी टाइम नहीं है। सरकार को जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट अरेंज करवाकर वहां से बच्चा निकलवा लेना चाहिए। जो सरकारें हैं उन्होंने कोई इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कोई मदद की हो किसी प्रकार की? जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस किया उसके बाद रोमानिया के एनजीओ ने हमारी बहुत हेल्प करी। खाने पीने की पूरी व्यवस्था, रहना वगैरह वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था और हम एज ए रेस्क्यूअर वहां पर जा रहे थे। हम वहां से रेस्क्यू हुए हैं तो उन्होंने काफी हमारी हेल्प करी। वहां पर टैक्सी, होटल सब कुछ हम लोगों के लिए फ्री था। गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी ही अपील है कि वहां पर बचे हुए लोग सिर्फ बच्चे ही नहीं, तुम्हारे भारत के डॉक्टर्स हैं, प्लीज उन्हें जल्दी से जल्दी उनके माता पिता के पास भेज दीजिए। कंडीशन बहुत खराब हो गई है और आज एक इंडियन स्टूडेंट की वहां पर डेथ भी हो गई। आपने कुछ वहां के जो बच्चे हैं जो अभी भी हालात से जूझ रहे हैं, क्या उनसे कुछ बात हो पाई है आपकी? इस समय वहां बच्चे इतनी प्रॉब्लम में है, किसी का पासपोर्ट खो गया, किसी का मोबाइल खो गया, बच्चे जमीनों पे पड़े हैं, भीड़ हो रही है, लड़कियां आप समझ सकते हैं किस कंडीशन में इस टाइम होंगी। जिसे वो शेल्टर का नाम दे रहे हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस में बच्चों को रख रहे हैं। वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है, खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, बच्चे आग जला के रह रहे हैं और इस समय वहां पर स्नो फिर से स्टार्ट हो गई है। अब आप ये बताइए जो एकमात्र साधन स्नो आग का था, अब वो बच्चे आग भी नहीं जला पाएंगे। बंकर्स में एक रहने के जो ठिकाने बनाए गए थे वहां इंडियन स्टूडेंट्स को क्यों नहीं एंट्री मिली? आपने अभी कहा था जब हम किसी देश में जाते हैं तो पहले उस देश की प्रायोरिटी होती है। वास्तविकता की बात है, अगर इंडियंस होंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा पहले इंडियन का बचाव करने की कोशिश करते हैं। उस समय हम वहां फॉरेनर्स थे। वहां आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग इंडियन हैं और ये यूक्रेन के लोग हैं, वो पॉजिटिव थिंकिंग उनकी नहीं थी? देखो सर, ये 2 देशों की वार है और इन 2 देशों में हमारा इंडियन भारत के किससे अच्छे संबंध है उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। मान लीजिए रशिया से इंडिया के बहुत अच्छे संबंध है तो यूक्रेनियन हमारा साथ नहीं देगा। क्या खार्किव और जो राजधानी कीव है वहां भी आपके कुछ परिचित और स्टूडेंट वगैरह हैं जो वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं? क्या बात हुई है आपके अंश, क्या बात हुई है उनसे? जी मेरी लगातार मेरे दोस्तों से बात हो रही है अभी और वो पिछले 3 दिनों से कोई मेट्रो स्टेशन में सो रहा है, क्योंकि जैसे एम्बेसी ने कहा है कि मेट्रो स्टेशन में सो जाओ वहां तुम सेफ रहोगे,
या बंकर्स में सो जाओ, वहाँ पे तुम सेफ रहोगे। तो बच्चे अभी तक वहीं पे ही रह रहे हैं, बंकर्स में, कोई रेलवे स्टेशन में। अंश, आप यूक्रेन से इंडिया पहुंचे हो जी, कितने किस कंडीशंस में आप यहाँ पर पहुंचे हो, क्या माहौल रहा है वहाँ पर? देखो, माहौल तो वहाँ का बहुत अभी भी तनाव भरा माहौल है, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन हो रखी है। वो देश वाले, अब देशवासी अपना बचाव करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहे हैं कि हम कैसे बचाएं। मतलब वहाँ पे स्थिति ऐसी हो रही है कि जिसको करना है वो खुद से करना है। अब यूक्रेनियन में, अब मेरे दोस्त वगैरह जो खारकी वगैरह, सूमी वगैरह रह रहे हैं, मेरी कंटिन्यूसली उनसे बात हो रही है, उनके पास अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं आ रही कि वहाँ कोई बॉर्डर पहुँचा दे, क्योंकि वहाँ पे अभी मार्शल लॉ लगा हुआ है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, और बमबारी लगातार हो रही है, ये नहीं पता कहाँ हो जाए। मिलिट्री का पूरा वहाँ पे आर्मी, मिलिट्री ने जो रशियन आर्मी है उन्होंने सब घेर रखा है। जहाँ पर आप यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ से लेकर के रोमानिया बॉर्डर तक, आप अपने एक्सपेंसेस पे आए हैं या वहाँ की गवर्नमेंट ने या किसी और गवर्नमेंट ने आपको? देखो, वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं किया कुछ भी, क्योंकि वो खुद ही ऐसा है अभी, वो अपनी जान बचा ले वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, तो वो हमारे लिए क्या ही करेगी, हमें जो भी करना है वो खुद से करना है। तो रोमानिया बॉर्डर तक वो हम अपने खुद के एक्सपेंस से, खुद के रिस्क पे आए हैं, बस के आगे भारत का झंडा लगा के, जिससे हमको कोई कुछ ना कहे, इस तरीके से हम वहाँ से निकले हैं। और रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद हमने, मतलब 24 घंटे लगे हमको क्रॉस करने, वहीं बैठे रहे 24 घंटे इंतजार में क्रॉस करने के बाद। उसके बाद जो रोमानिया में इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने बहुत बहुत हमारी सहायता की, बसें चल रही हैं लगातार, होटल में बच्चे पहुँचाए जा रहे हैं, जिनकी फ्लाइट उनको भेजा जा रहा है, तो उस तरीके से ये सारा ऑपरेट चल रहा है। बट थोड़ा कम धीमे चल रहा है, जिस हिसाब से कंडीशन डे बाय डे वहाँ पे बहुत खराब हो रही है, बट उस हिसाब से बच्चे इंडिया नहीं आ जा रहे। आप बता रहे हैं कि आप इंडिया फ्लैग जो लगा करके चले थे, क्या बीच में किसी ने रोका? अगर रोका तो क्या इंडिया फ्लैग की वजह से आगे जाने दिया, कैसा देखने? देखो, जगह जगह वहाँ पे चेक पॉइंट है, हम बॉर्डर जा रहे थे तो इंडियन फ्लैग बसें जा रही थी, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, हमको सीधा जाने दिया, किसी तरह की नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। जैसे रोमानिया बॉर्डर पर पहुंचे, वहाँ क्या हालात देखने को मिले थे आपको? वहाँ पे हालात बहुत खराब से भी खराब मान के चलो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में इंडियन पहुंच चुका है अपने आप को बचाने के लिए। गवर्नमेंट से क्या अपील करोगे आप, और वतन पहुंचकर कैसा लगा है? देखो, इतना सब कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट की वजह से ही हो रहा है, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है हमारे लिए, जितने भी जो हमारी आवाज, अब तक इससे पहले रेस्क्यू नहीं हो रहा था, बट मीडिया वाले लोगों ने हमारी आवाज उठाई, हमको रोज न्यूज चैनल पे लिया, हमारी सिचुएशन जानी, तो इस चीज तरीके से हम जल्द से जल्द आए हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट कर रही है वो बहुत सही कर रही है, बट वो जो चल रहा है बहुत धीमे चल रहा है, फ्लाइटें रोज दो जा रही हैं। क्या वहाँ पे एयर, किसी और दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों को, स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया है, आपकी जानकारी में है? बिल्कुल है, जो दूसरे देश के हैं, जो वहाँ पे बच्चे थे, तो उनकी एम्बेसी ने उनको वॉर होने से पिछले 15 दिन पहले ही उनको सतर्क कर दिया था, और उनको सीधा ये कह दिया था कि आप अपने अपने देश लौट जाइए, यहाँ पे कंडीशन खराब है। तो वो किस तरीके से अपने टिकट बुक करके लिए, या उन्होंने उनको एयरलिफ्ट किया गया? देखिए, उस टाइम पे कंडीशन इतनी नहीं खराब थी, उस टाइम ये था कि हाँ वार हो सकती है, वार होने के मतलब लाइक 20 दिन पहले, तो उस टाइम इतनी कंडीशन नहीं खराब थी, लोगों को कह दिया था अपने देश चले जाइए, तो सब अपने अपने एक्सपेंस पे वो जैसे नॉर्मल फ्लाइट करा के वापस हुए। अच्छा, वहाँ यूनिवर्सिटी थे जहाँ आप पढ़ाई कर रहे थे, उन लोगों ने कैसे आपको अलर्ट किया था पहले, उसके बाद फिर तो होगा? देखो, यूनिवर्सिटी से हमें कोई अलर्ट नहीं हुए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्या कहना था कि हम उस वार जोन से इतना दूर हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम बिल्कुल ऑफलाइन चल रही थी। जिस दिन हमारे बम ब्लास्ट हुआ है हमारे उसमें, तो उस दिन भी हमारी क्लास ऑफलाइन ही थी, क्योंकि वो हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो पोलैंड साइड लगती है, मतलब वेस्ट में है, हम 1500 किलोमीटर दूर थे वहाँ पे वार जोन से, तो वहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ होगा, बट समय के अनुसार देखा जाए सब उल्टा हुआ है, जो सबसे पहला बम गिरा है वो हमारे एरिया में गिरा था जी।